बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हुसना खान। आइए खबरों का आगाज करते हैं। अहमदपुर शर्किया को में शाहरा और शरीफ के करीब दो बसें आमने सामने टकरा गई, जिसके नतीजे में 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा का शिकार एक मुसाफिर बस गुजरावाला से सादिकाबाद जा रही थी, जबकि दूसरी बस लकी ईरानी सर्कस के फनकार की थी, जो कि लियाकतपुर कोट अद्दू जा रही थी। हादसा में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। ननकाना साहब अलर्ट पुलिस के जवान कांस्टेबल तारिक शहीद की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डीपीओ कैप्टन रिटायर मंसूर अमान के हमराह जिले पुलिस के अफसरान जवानों ने शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद कांस्टेबल ने दौरान ड्यूटी मोटर वे पर जाम शहादत नोश किया। तारक शहीद के अलावा किन के साथ गम में बराबर शरीक हैं। डीपीओ मंसूर अमान फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद होने वाले कंस्टेबल महकमा के लिए काबिले रश्क हैं। ऐसी फोर्स के कमांडर होने पर फख्र है, जिसने अवामी जान और माल के तहफ़ के लिए कुर्बानी दी। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज SSP ट्रैफिक क्वेटा कैप्टन शेर अली की खसूसी इकामात पर दबंग ऑफिसर DSP ट्रैफिक मोहम्मद कासिम सलाची की निगरानी में ट्रैफिक सार्जेंट शाह हसन मेहंदी नसीर साहब ने अपनी टीम और हवलदार शहबाज खान, सिपाही रिजवान दीगर के हमराह क्वेटा में कबायली गाड़ियों, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज ट्रैफिक सार्जेंट शाह हसन मेहंदी ने 40 गाड़ियों को चलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी और कबायली गाड़ियों जबकि काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। जलालपुर पीरवाला जोड़िया खाद का बुहरान खत्म ना हो सका, किसानों का मुल्तान रोड पर एहतजाज, किसान शदीद गुस्से में। मजीद जानते हैं एंकर पर्सन रजीत बचाले से। जी वजीर, क्या तफसील? जी बिल्कुल, यहाँ देखे ज़रात दफ्तर के सामने जो एहतजाज बना हुआ है और जो लोग हैं वो शदीद गुस्से में है। मजीद इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, ये आप जो मेरी बात सुने, आप जो 2100 का ऐलान कर रहे हैं, ये किसका ऐलान है और क्यों? एसी साहब का ऐलान है, एसी साहब कमीशन ले रहा है। ये जो भी डीलर बैठे सारे की, मैंने अभी खाद ली है, मेरी खाद अभी लोड होकर आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ मौके पे। हमारी 15 एकड़ जमीन है, हमने ली अभी खाद, 2100 लिया है, इन्होंने कमीशन लिया है, मैंने खुद दिया अभी, मेरी पूरी आवाम को लेकर मेरे साथ चले। 2100 में जो रेट है वो एसी साहब ने दिया यार, एसी ने डीलर को दिया, डीलर ने हमें दिया है। हम चले हमारे साथ, हम मौके पे छापा मरवाते, जिन्होंने हमें दिया है उनको दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे किसानों को? अच्छा, वो जिस एसी साहब ने लेके दिए वो कौन है? एसी साहब ने उनको डीलर को दिया, हमने डीलरों से लिया है। आप मेरे साथ चले, एसी साहब को मेरे साथ भेजे, मैं मौके पे 13,000 बोरी पड़ी है, उसके बाद मैं छापा मरवाता हूँ, उनसे क्यों नहीं है माफी? आप वो कहाँ है, 1300 बोरी कहाँ पड़ी है? पोलखर में पड़ी है, पोलखर में, जाकर दिखाता हूँ इनको। चले आप यहाँ इससे चलेंगे? हाँ चले, मेरे साथ अभी चले, बुलाए इस साहब को, हर डीलर के पास बड़ी है, हम सारे ब्लैकमेल कर रहे हैं किसानों को, हम भी किसान हैं। अगर आप ना माने, मेरे साथ पूरी हम चले, सामने मेरी खाद लोड होकर आ रही है, मैं आपको दिखवा सकता हूँ। जी नाजरी, ये देखें जो 2100 रुपए का जो इलियान किया, ये जो भैजन कह, आप भैजन एक मिनट बात करने दे के नाजरी, ये देखें कि ये जो भाई कह रहे हैं कि 2100 रुपए रेट जो है वो एसी साहब, ये जो डीलर है ये माफिया है, इनको खाद देकर और 2100 रुपए का इलियान कर दिया है। हमारे साथ ये देखें शहरी भी मौजूद है, इनका कहना है कि जहाँ खाद पड़ी है हम वहाँ छापा भी मरवा सकते हैं। मजीद हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद है, मैं शर्याम कह रहा हूँ, मीटे के समय हम छापा मरवाएंगे, वो भी लोग हमें नहीं देंगे, देंगे मैं वो नहीं देंगे कि ये छापा मरवाने, आप जो नेट पे भेजेंगे वो हमें देख लेंगे, वो डीलर हमें दे भी नहीं देंगे, हर डीलर के पास भी गायब हो जाएगी वहाँ से। आप किसके के पास दो ट्राले उतरे हुए हैं, दो ट्राले पड़े उनके पास हफ्ते के, जुम्मे को हमको उन्होंने दिया 6 बोरियां उनसे लिए। जी नाजरीन, ये देखे खाद भी किसान, ये जो डीलर माफिया है इनके पास खाद भी मौजूद है, लेकिन अवाम को और किसानों को खाम खा जलील किया जा रहा है और ब्लैक पर, और ये जो बार बार ये 2100 का रेट का ऐलान कर रहे थे, ये एसी साहब का ऐलान, इनका कहना है कि एसी साहब का ऐलान है 2100 रुपए का। जी सुजुकी वजीर बलार्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नुमाइंदे के लिए सैयद तनवीर इंग्लैंड का वाहलाना इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। मौजूद मेहमानों के लिए गुलदस्ता पेश किया गया।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करने पर शेर तनवीर इंग्लैंड ने सहाफियों के सवाल के जवाब दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।